हाय दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आकाश। आज की थ्रू हम देखने वाले हैं भैया क्या देखने वाले हैं, बुक्स देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। मेरा टेबल है, शीशे हैं, बुक्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप है, ठीक है, और मैं यहाँ पे सोता हूँ और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। ये कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ लगे हुए हैं, ठीक है, और ये की नोट्स लगे हैं, स्टिक नोट्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ये मेरा रूम है छोटा सा, जिसमें कि मैं रहता हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ भैया बुक्स की, ठीक है। देखिए बुक्स इतनी मिली है मुझे, कितनी मिली है दिखाता हूँ मैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। तो कुल भैया 20 बुक यानी 20 किताब मुझे मिल हुई। किताब क्या है, नोट्स है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि भैया जो अनएकेडमी का ये नोट्स है ना, ये जानदार है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैंने तुलना करके भी देखा, मतलब कंपेयर भी करके देखा दृष्टि वाले से, तो भाई फैक्ट यही है कि दृष्टि से अच्छा नोट्स है, ये जानिए, ठीक है। दृष्टि की मोटी मोटी नोट्स होती है यार, पढ़ने आदमी डर जाता है, ठीक है। तो मैं ये खुले तौर पे कह रहा हूँ कि दृष्टि से अच्छी है, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा, ठीक है, सारी चीज़ें देखा। तो इसका देख रहे हैं, पतला पतला नोट्स, एकदम पतला, भारतीय भूगोल एकदम पतला नोट्स, इतना पतला देखिए, ठीक है। विश्व भूगोल का इतनी पतली नोट्स, मानव आर्थिक भूगोल इतना पतला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत 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 अच्छी। प्लस जो है आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो पीडीएफ मिलता है, मतलब पीडीएफ वाला जो नोट बुक्स हो नोट्स मिलते हैं, वो अलग बात की बात है, ठीक है। मेंस का प्री का अलग वो मिलता ही मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, बात की बात है। तो भैया अच्छा है, तो मैंने सोचा कि अनअकैडमी का थोड़ा सा जो है यहाँ पे रिव्यू किया जाए कि कैसा है। आज मुझे हो गए, मैं लिया था सब्सक्रिप्शन भैया फरवरी में 2022 के फरवरी में, शायद 10-11, मैं जनवरी से ही ले रहा था, बट सारी चीज़ें हो नहीं पा रही थी, मैनेज हो नहीं पा रही थी, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही थी उनके यहाँ, तो हो नहीं पा रहा था। तो होते होते फरवरी में पूरा काम हुआ था, तो एक ही बार मैंने पैसा भी नहीं जमा किया था, मेरे पास था भी नहीं, तो 72,000-73,000 कुछ रुपए बना था, तो उसको हमने लोन करवाया था, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है सब, मैं सोचा भैया रीबुक थोड़ा सा किया जाए। ये देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास का इतना पतला नोट्स है यार, मज़ा आ जाता है इसे पढ़ने के बाद, देखिए, ठीक है। और विश्व इतिहास है, देखिए पतला नोट्स है, आधुनिक भारत का इतिहास पतला नोट्स, ये देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास इतना पतला नोट्स है यार, ठीक है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया प्लस ये बुक्स पढ़े प्लस आप जिसका भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जिसका भी कोड यूज कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने सुनील सिंह सर, अभिव्यक्ति सर, सुनील अभिव्यक्ति सर का मैंने लिया है, तो भैया ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के लिए बेस्ट टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, हैं तो दोनों के लिए, बट मतलब अच्छे हैं, मेरा कहने मतलब ये है, मैंने उन्हीं की बदौलत पूरा का पूरा जो है सब्सक्रिप्शन लिया है, उन्हीं की स्टाइल, उन्हीं की स्ट्रेटजी के बदौलत। तो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी का वो कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ अनएकेडमी का या फिर किसी सर का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरा वीडियो भी देखते होंगे, तो भैया वो सब कुछ जो मैंने सीखा है उसी जो है सुनील सर से ही सीखा है मैंने, ठीक है, उन्हीं की स्ट्रेटजी से सीखा है, उन्हीं के समझाने की स्टाइल से मैंने सीखा है कि कैसे क्या चीज़ें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, समझाई जाती हैं, कैसे क्या चीज़ें इंटरलिंक की जाती हैं। तो यूपीएससी, मैं हिंदी मीडियम वालों को बता दूं भैया, यूपीएससी जो है ना वो एक गेम है। गेम कैसे है कि भैया, गेम इसलिए है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा समझ नहीं पाता, एक्सपीरियंट या न्यू स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि तैयारी कैसे करनी है, और बहकावे में आ जाता है किसी ना किसी के, वो इंग्लिश और हिंदी का कंपेयर करने लगता है। तो इंग्लिश मीडियम वालों का होता इसलिए है प्री इसलिए निकलता है क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो IITians होते हैं, BTech होते हैं ना, तो वो क्यों होते हैं,
क्यों मतलब निकलते हैं जो है आईएएस या यूपीएससी क्यों क्वालिफाइड करते हैं, क्योंकि उनका साइंस का बैकग्राउंड रहा है और साइंस की ही चीज़ों को साल बड़ करते हैं, और प्री में इसीलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उनका साइंस मजबूत रहता है, 4 साल 5 साल जो है खूब एकदम मजे होते हैं। तो साइंस में ही, अब साइंस में आपको पता मतलब प्री में पता ही आपको कि 33% जैसे ही आपका हुआ आपका सिलेक्शन मतलब प्री निकल गया, ठीक है। तो पूरा उनका फोकस जो होता है अपने साइंस पर ही होता है, ठीक है, मैथ रीजनिंग ये सारी चीज़ें उनका हो जाता है आराम से। बट जो आर्ट का लड़का होता है या हिंदी मीडियम का लड़का होता है या ह्यूमैनिटीज़ का जो एस्पिरेंट होता है उसका नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भैया सब पढ़ने के चक्कर में पड़ता है कि हम साइंस टेक भी पढ़ लें, उसका भी सॉल्व कर लें, रीजनिंग मैथ कुल मतलब करने के चक्कर में पड़ रहा था। अरे यार भैया, हमें अपना देखना है, अपना ह्यूमैनिटीज़ जो है यानी कि जो आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको अपना करना चाहिए, अपना देखना चाहिए। जैसे संविधान है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, ये सारी चीज़ों पे अपना फोकस करना चाहिए, ठीक है। हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन, बस 50 से 60 क्वेश्चन बहुत हैं, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना, 60 क्वेश्चन करना है लेकिन सही करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये रणनीति होनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये भी सारी चीज़ें पता चली, और मेरी एक वीडियो आने वाली है जो है इसी बुक्स से ही रिलेटेड। बुक से ही रिलेटेड का मतलब क्या है, अगर आपने ऐसा मतलब किया तो फिलहाल मैं बनाने वाला हूँ एक वीडियो। कहाँ गई यार वो बुक, बड़ी ही अच्छी बुक थी, कहाँ गई, एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ एक झलक। आपदा प्रबंधन पर्यावरण भारतीय भूगोल नीति सार, कहाँ गई यार, एक मिनट, एक बार आप लोग जो है मेरे कहने पर अगर आप लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो तो अनअकैडमी इज़ द बेस्ट यार, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ याद रखिएगा, ठीक है। और एक मिनट, मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भैया, ठीक है, मैं चीज़ों को सही बता रहा हूँ, बस सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको सही में मतलब लेना है सब्सक्रिप्शन तो सुनील सर का लीजिए और अनअकैडमी को फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही सुविधाएँ मिलती हैं, और प्लस जो है आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और कहीं पे ऐसा नहीं है, कहीं पर 1 हफ्ता 10 दिन में डिलीट हो जाता है, महीने में डिलीट हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे जब देखिए, ठीक है। एक बुक थी वो दिख नहीं रही है यार, मैं उसी थोड़ा सा बताने वाला था आप लोगों को कि वो बुक कितनी मायने रखती है। आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, प्राचीन इतिहास, भारतीय कला, बुक दिख नहीं रही है, हाँ ठीक है, ये विश्व इतिहास में ही था, मैं यार चैप्टर से खोज रहा था, प्रबोधन, ठीक है, विश्व इतिहास में ही एक चैप्टर आता है प्रबोधन, यानी कि एज ऑफ इनलाइटमेंट, ठीक है, यानी कि समझदारी या बुद्धिमत्ता कब से उपजी, तो इससे संबंधित मैं जो है वीडियो बनाने वाला हूँ और इससे भी शॉर्ट करूँगा, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो बताइएगा कैसा वीडियो और लगा आपको, ठीक है, बाकी सब आप लोग कमेंट करके बताया करिए भैया किस पे क्या वीडियो चाहिए, तो और भी अच्छा रहेगा मेरे लिए कि हाँ मेरी ऑडियंस या मेरे व्यूवर्स कौन सा वीडियो देखना पसंद करना चाहते हैं।
तो आज का वीडियो बस यही था पर्पज कि मैं बहुत दिन से ये कोशिश कर रहा था। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें मिली थी ये भी मैं बताना चाहूँगा। भैया मार्कर मिला था ढेर सारा, ठीक है। ये देखिए मार्कर मिला था सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, और ऊपर देखिए बैग रखा हुआ है वहाँ पे। मैं एक मिनट दिखा दूँ आपको तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए, इसी में सब बुक आई थी, ठीक है। इसी में सारी बुक्स थी, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बैग मिला हुआ है। ये देखिए, अभी मैंने इसे खोला भी नहीं था। ये देखिए बैग्स मिला है, बहुत ही जानदार है, अच्छा है, जानदार है मतलब अच्छा है। ये देखिए अनअकैडमी का बैग्स, ये देखिए, तो अच्छा था। ये सारी चीज़ें मिली थी, और मार्कर्स मिले थे, और क्या मिला था, हाँ कीज रिंग्स मिला था, यानी कि छल्ले मिले थे, छल्ला जो आप जानते हैं ना, छल्ला गाड़ी बाइक में लगाने वाला जो छल्ला होता है, वो सब मिला था। और मार्कर मिले थे, और कुछ स्टिक नोट्स मिले थे मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिली थी। हो गया आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का रिव्यू एक तरह से, ठीक है, इसे लीजिएगा। और ये मत समझिएगा भैया अनअकैडमी कोई प्रमोशन वोशन कर रहा हूँ, बस मैं अपना अब तक का मतलब, मैंने हालांकि सुनील सर को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा था, 2020-21 से ही फॉलो कर रहा था, 20 से शायद, 20 या 21 से, तो उनकी स्ट्रेटजी को ही जानकर मैंने उनका ही कोड यूज करके अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया था, ये है सच्चाई। और जब से मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मतलब फरवरी से अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है अनअकैडमी पे, बहुत ही अच्छा रहा है, और सुनील सर के तो बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है, यही सत्यता है भैया, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, और अगर वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, थोड़ा सा कुछ नया मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कैसी वीडियो को चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, बाय बाय।